मनीष कश्यप से जुड़ी सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। सुबह से आप लोग मनीष कश्यप से जुड़ी हर खबर को देख रहे हैं कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु से सप्त क्रांति ट्रेन से लेकर बेतिया स्टेशन पे आया गया, और बेतिया स्टेशन पर जैसे मनीष कश्यप उतरते हैं वहां पर लाखों हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम भीड़ जाता है और मनीष कश्यप की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेशी की जाती है और पेशी होने के बाद मनीष कश्यप के माता श्री से मिलवाया जाता है, मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से मिलवाया जाता है, और उसके बाद मनीष कश्यप को बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस लेकर पटना की ओर रवाना हो जाती है। रवाना होने के क्रम में एक सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आती है जिसे सुनकर आप सच में खुश हो जाएंगे और बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। खबर यह है कि मनीष कश्यप अब बिहार के जेल में ही रहेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि मनीष कश्यप अब बिहार के जेल में ही रहेंगे। तमिलनाडु के जो भी मामले हैं, जो भी एफआईआर दर्ज है, अब सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनीष कश्यप की सुनवाई होगी। पहले आप लोग यह सुनते थे कि मनीष कश्यप को जब बिहार बुलाने की बात होती थी, मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश कराने की बात होती थी, तो तमिलनाडु पुलिस और वहां के कोर्ट और वकील यह कहते थे कि मनीष कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर लीजिए, लेकिन बिहार के वकील और बिहार के सरकारी पुलिस और वकील कहां मानने वाले थे, एक जीत पर अड़े थे कि मनीष कश्यप को बिहार में लाएंगे और सशरीर बेतिया कोर्ट में पेशी करवाएंगे, भले इसके लिए कितना भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े। अंततः मनीष कश्यप को बिहार लाया गया और बेतिया कोर्ट में पेशी भी हुई और मनीष कश्यप उन सभी बिहारियों के, उन सभी समर्थकों के चेहरे पे एक मुस्कान छोड़कर फिर से अब बिहार में ही रहेंगे। मनीष कश्यप पे जितने भी एफआईआर है, जितने भी धाराएं लगाई गए, अब सभी की सुनवाई बिहार के कोर्ट में, बिहार के अदालत में ही, बिहार के हाईकोर्ट में ही होगी। अब मनीष कश्यप किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे ट्रांजिट रिमांड पे या किसी प्रकार के किसी भी रिमांड पे दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। जो भी मनीष कश्यप मामले की सुनवाई अगर दूसरे राज्य में होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है और सबसे बड़ा सूत्र भी है, सूत्र के हवाले से ही मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। अभी तक किसी प्रकार से कोई लिखित या किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, लेकिन आप आश्वस्त हो जाइए कि आपका सोन बिहार अब बिहार में ही रहेंगी और जिस प्रकार की भी सुनवाई तमिलनाडु पुलिस को करनी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। यह सूत्र है और शायद यह सच भी हो जाए। अगर यह सच हो जाती है तो बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी और मनीष कश्यप के लिए भी बहुत राहत भरी खबर होगी, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के जेल में न मनीष कश्यप को वहां का खाना समझ में आता था, न वहां का भाषा समझ में आता था। मनीष कश्यप को किसी से बातचीत करने में या किसी चीज की डिमांड करने या कोई चीज मांगने में भी बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि जो मनीष कश्यप हिंदी में बोलते थे उस बात को वहां पर लोग बखूबी नहीं समझ पाते थे, जिसको लेकर मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मनीष कश्यप के लिए सबसे बड़ी खबर और मनीष कश्यप के लिए सबसे सुखमय खबर और मनीष कश्यप के लिए सबसे सुखमय फैसला यह है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। अगर खबर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जय हिंद, जय बिहार।